हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश लिटरेचर क्लास सिक्स की पोएम चैप्टर नंबर फोर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जिसमें आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे चैप्टर को। वी विल लर्न सम वर्ड मीनिंग्स और जानेंगे कि ये चैप्टर हमारे क्या कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? चैप्टर एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर, समरी एंड लेसन, क्वेश्चन आंसर्स। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लेकर के आते हैं ऐसी ही मजेदार इंटरैक्टिव लेसन्स, इंटरैक्टिव क्लासेस ऑल अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट चैप्टर्स। और हमने और भी जो वीडियोज अपलोड किए हैं आप उनको जरूर देखिएगा। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। आई हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। किसके स्कूल की बात हो रही है? मिस बीम के स्कूल की बात हो रही है। क्या ये जो राइटर है वो खुद कह रहा है? इज इन फर्स्ट पर्सन, तो ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन में चल रही है, मतलब राइटर अपनी ही बात कर रहा है, अपनी एक स्टोरी बता रहा है। तो it will be refer to the writer if it is not saying he said or something. Then I had heard a great deal about Miss Beam's school, मतलब मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी है मिस बीम के स्कूल के बारे में। But not till last week did the chance come to visit it. But जब तक last week नहीं था तब तक मैं इन्होंने विजिट नहीं किया था, मतलब इन्होंने विजिट कब किया मिस बीम स्कूल को, उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा सुना था, तो उसको विजिट किया लास्ट वीक। अब ये विजिट करके आ चुके हैं, ही इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट। साइट मीनिंग समथिंग दैट यू सी, आप जो कुछ देख रहे हो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा था। नो वन इन साइट मतलब कोई नहीं दिख रहा था। जब ये वहां पहुंचे, अराइव वहां पहुंचे, when he arrived, there was no one in sight. But a girl of about 12, लेकिन वहां कौन था? कोई और तो नहीं दिखा, लेकिन उनको कौन दिखी? एक गर्ल जो कि 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage. उसकी कैसे था? उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। Bandage, a long piece of soft white material that tie around a wound or injury. तो बैंडेज मतलब जो पट्टी बांधते जब कोई चोट लग जाता है, तो वैसे उसकी आंख पे पट्टी बंधी थी। And she was being led carefully by between flower beds by a little boy. और उसको कहाँ ले, कौन ले जा रहा था? Led मतलब to go with, कोई उसको लेके जा रहा था। कौन लेके जा रहा था carefully? By a little boy, एक छोटा लड़का उसको रास्ता दिखा रहा था, उसको लेके चल रहा था ध्यान से। कहाँ पे? फ्लावर बेड्स के बीच में, वहां जो आसपास जो फूल खिले थे, जो बगीचे थे, उसके बीच में उसको लेके जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years younger, वो 12 साल की थी, वो उससे 4 साल और छोटा था, यंग था। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। वो रुकी और ऐसा मुझे लगा कि उसने पूछा कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her. और उस छोटे बच्चे ने, लिटिल बॉय ने, उसको हमारे मेरे बारे में डिस्क्राइब किया कि कौन आया है। Then they passed on, और फिर वो चल दिए। Passed on मतलब gone by. Miss Beam was all that I had expected. Miss Beam वैसी ही थी जैसा राइटर ने एक्सपेक्ट किया था उनको, जैसा एक्सपेक्ट यानी टू थिंक और बिलीव दैट समथिंग विल हैपन, जैसा उनको लगा था वैसी ही वो थी। कैसी थी मिस बीम? मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। कैसी थी वो? मिडिल एज थी, अथॉरिटी उनका, उनके उनके फिगर, उनके बॉडी लैंग्वेज में एक अथॉरिटी की फील थी। येट काइंडली, बहुत काइंड थी और अंडरस्टैंडिंग भी थी, दूसरे को समझती थी। काइंडली मतलब इन अ काइंड वे।
Her hair was beginning to gray, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. उनके हेयर कैसे थे जो कि अब धीरे धीरे ग्रे हो रहे थे. एंड शी हैड अ काइंड ऑफ प्लम्प फिगर. प्लम्प फिगर मतलब प्लेजेंटली फैट. वो थोड़ी ऐसी फिगर की थी. एंड दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड. होमसिक मतलब सैड बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम होम एंड यू मिस इट. तो मतलब वो कैसी दिखती थी, वो एक मम्मी जैसी दिखती थी कि जिससे एक ऐसा बच्चा जो कि सैड हो क्योंकि उसको घर से दूर यहाँ रहना पड़ रहा है, हु इज मिसिंग हिज होम, उनको वो बहुत ही अपनी जैसी लगे. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. अब उनसे मिलकर के राइटर ने क्या किया, राइटर ने मिस बीम से कुछ उनके सवाल पूछे उनके टीचिंग मेथड्स को लेके. जैसा कि उसने सुना था कि वो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाती, तो वो कैसे पढ़ाती हैं, उनका टीचिंग मेथड कैसा है, उसके बारे में और जाना उसने. चलिए आगे. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. उन्होंने क्या जवाब दिया मिस बीम ने कि उनको बच्चों को मतलब नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम. देम इज रेफरिंग टू चिल्ड्रन. तो ज्यादा कोई जरूरत नहीं है उनकी हेल्प करने की कि उनको कैसे क्या चीज करना है. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. क्या क्या करवाती है वो स्टूडेंट्स को, स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. थोड़ा मैथ्स, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी राइटिंग, ये सब वो उनको सिखाती थी. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. तो ये टीच क्या करती थी, टीच तो ये स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ये सब करती थी. और बाकी चीज कैसे सीख जाते थे बच्चे, द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम. उनको वो क्या सुनाती थी, उनको लोग बच्चों को कुछ ये लोग सुनाते थे, रीड करते थे उनको. रीडिंग टू देम बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, या तो उनको कोई कहानी सुना के, कुछ बातें कह के जो कि वो सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे, या फिर उनके बीच में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो, इंटरेस्टिंग टॉक हो, जिसके बीच में क्या एक ही कंडीशन थी कि उनके उस जब ये सब एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसके बीच में वो स्टिल बैठ के, शांत बैठ के, अपने हाथ से हाथों को भी शांत रख के पूरा ध्यान उन एक्टिविटीज में लगाएं, और उसी से वो सीख जाते थे. There are practically no other lessons. और इसके अलावा और कोई दूसरा practical lessons उनके साथ नहीं होता था बच्चों के साथ. The real aim of this school is not so much to teach thought. इस उन्होंने ये भी बताया कि इस school का real aim जो है वो बच्चों को कोई thought सिखाना नहीं है, thought याद कराना नहीं है, as to teach thoughtfulness. Thoughtfulness. अब बताइए thoughtfulness का मतलब. केयर एंड कंसिडरेशन फॉर अदर पीपल. थॉटफुलनेस यानी केयर करना दूसरों की, दूसरों के बारे में सोचना, उनका अच्छा करना. ऐसी जो फीलिंग है, ऐसा जो बिहेवियर है, ये उनके बीच उनको बच्चों को सिखाना, ये उस स्कूल का रियल एम था, ना कि उनको कोई सब्जेक्ट वाइज कोई चीज़ रट के याद कराना. और क्या सिखाते थे, थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों से साथ दया भावना रखना, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों की केयर करना, ये सब चीजें वो सिखाते थे. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. रिस्पॉन्सिबल बीइंग द पर्सन हु इज अ पर्टिकुलर टास्क टू डू. रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, एक जिम्मेदार सिटीजन बनना, और एक केयरिंग और काइंडनेस आना, ऐसे बिहेवियर चीजें वहाँ पे स्कूल में स्टूडेंट्स को सिखाई जाती थी. Look out of the window a minute, will you? उन्होंने राइटर से कहा कि जरा विंडो के बाहर देखिएगा. I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. तो विंडो से राइटर ने झांका तो क्या देखा, ओवरलुक यानी
टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग. अब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, बस विंडो से देखा, देखा क्या कि बस एक बड़ा सा गार्डन है और उसके पीछे प्लेग्राउंड है. व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड. मिस बीम ने क्या पूछा कि आप क्या देख रहे हैं. आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स. राइटर ने जवाब दिया कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े और सुंदर ग्राउंड्स दिख रहे हैं. एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही सारे खुश खुश बच्चे हैं, जॉली हैप्पी. इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. और उन्होंने क्या बताया कि मुझे दुख है ये देख के कि उनमें से सभी उतने हेल्दी और एक्टिव नहीं दिख रहे. When I came in, I saw one poor little girl being led about. उन्होंने अपना वो बताया, वो इंसिडेंट बताया जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे. तो उन्होंने एक 12 साल की बच्ची को, उससे 4 साल यंग बच्चे ने उसको लेकर के रास्ता दिखा रहा था, वो बताया कि एक poor little girl है जिसको एक लड़का रास्ता दिखा रहा था. She has some trouble with her eyes, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी. तो राइटर को लगा कि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी. Now I can see two more with the same difficulty. और अब मैं यहाँ से जब विंडो से देख रहा हूँ तो मुझे कैसे दिख रहे हैं, मुझे भी वैसे ही कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि जिनको आंखों में परेशानी है. And there is a girl with a crutch. Crutch means to seriously damage or harm somebody or some to support for walking. क्रश मतलब अ सपोर्ट फॉर वॉकिंग, जो एक साथ में छड़ी जैसी कोई चीज लेके चल रही है और दूसरों को देख रही है खेलते हुए. वॉचिंग अदर्स टू प्ले. शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल. होपलेस हैविंग नो होप फॉर एनीथिंग. क्रिपल टू सीरियसली डैमेज और हार्म समथिंग. वो ऐसे दिख रहे. उन्होंने जो जो देखा, क्या क्या देखा कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स हैं, वहाँ बहुत सारे हैप्पी चिल्ड्रन हैं. देन उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि सब उतने हेल्दी और एक्टिव नहीं दिख रहे. उन्हें कुछ दो बच्चे यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई दिख रही है और एक लड़की कोई छड़ी का सहारा लेकर के चलने की कोशिश कर रही है. मिस बीम लाफ्ड. ओह नो शी सेड. मिस बीम ने हंसते हुए कहा कि अरे नहीं, शी इज नॉट रियली लेम. लेम मीन्स नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली. मतलब वो सच में, उसका ऐसा नहीं है कि उसको पैर में कोई तकलीफ है जिससे वो नहीं चल सकती. शी इज ओनली, दिस इज ओनली हर लेम डे. आज क्या है उसका, आज उसका एक लेम डे है. लेम डे मतलब आज ऐसा दिन है जहाँ पे उसको कहा गया है कि तुम एक पैर से ही चल करके देखोगी. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर. दूसरे भी जो आपको वहाँ पट्टी लगे दिख रहे हैं वो ब्लाइंड नहीं है. इट इज ओनली दियर ब्लाइंड डे. आज सिर्फ उनका एक ब्लाइंड डे है. I must have looked very surprised, for she laughed again. ये सब सुनकर तो मैं और ज्यादा चौंक गया क्योंकि वो फिर से हंसी है कहकर. This is a very important part of our system. उन्होंने मुझे आगे क्या समझाया कि मिस बीम ने कि this is a very important part of our system. हम जो यहाँ पढ़ाई कराते हैं, जो हम यहाँ लोगों को kindness और ये सब सिखाते हैं, तो उसका ये बहुत ही important system है. To make our children appreciate and understand misfortune. Appreciate means to understand and value of something or somebody. दूसरों की महत्व जो हम बताते हैं, और दूसरों का misfortune मतलब bad luck, दूसरों का जो साथ जो बदकिस्मती होती है वो चीज उनको समझाते हैं. तो कैसे समझाते हैं, we make them share in misfortune too. मैं भी उनको उनके misfortune, जैसे कोई अगर अंधा है तो तुम आंखें बंद करके उसकी feeling महसूस करो. तो क्या है ये, हम उसको उसी की जगह आकर के हम उसकी बैड लक को फील कर रहे हैं, और तो फिर उससे हम उसको समझेंगे और उसको हम हेल्प कर सकेंगे बेटर. ये इनका मानना था, मिस बीम का. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. हर टर्म में हर बच्चे के साथ ये क्या करती है, उसका एक लेम डे होता है, एक ब्लाइंड डे होता है जिस दिन वो अंधा है, लेम डे जिस दिन उसके एक पैर में प्रॉब्लम होगी, वन डेफ डे जिस दिन उसको सुनाई ना दे, वन इंजर्ड डे जिस दिन उसको कोई चोट लग गई हो, एंड वन इज डम डे. डम डे मतलब अनेबल टू स्पीक, जिस दिन वो बोल नहीं सकता.
तो ये सारी तरीके की जो मिसफॉर्चून जो प्रॉब्लम होती है रियल लाइफ में लोगों को, ये मैं ये अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाती हूँ, ये अपने स्टूडेंट्स को भी उसी प्लेस पे रख देती हैं, जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड होता उसको नहीं दिखाई देगा वो कैसे अपने आप को चलाता है दिन भर इधर उधर करता है, ये सब उन बच्चों को फील हो जिससे वो वैसे लोगों के साथ मजाक न करें, उनकी हंसी न उड़ाएं, जबकि उनको और बेटर समझ के उनकी हेल्प करें। कितनी अच्छी चीज सिखा रही है ना मिस्वी। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड अब्सोल्युटली एंड दे आर नॉट ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। ऑन देयर ऑनर मतलब उनको ट्रस्ट किया जाता है कि उनको उनको खुद से मतलब ये ट्रस्ट होना चाहिए कि वो देखेंगे नहीं। पीप मतलब झांकना, वो झांकेंगे नहीं उसमें से। एब्सोल्युटली मतलब कंप्लीटली टोटली। ब्लाइंड डे को क्या कर दिया जाता है, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है पूरी तरह से, ताकि उनको कुछ भी ना दिखाई दे और उनको ट्रस्ट किया जाता है कि वो नहीं उसमें से झांकेंगे। देखिए आगे इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और बैंडेज कब लगाया जाता है, रात में ही, ओवरनाइट और वन नाइट, रात में ही बैंडेज लगा दिया जाता है ताकि वो सुबह जब उठे तो उनको ब्लाइंड की ही फील आए। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब हुआ कि सुबह उठते ही उनको हर चीज में मदद चाहिए। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी टू हेल्प देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और दूसरे बच्चों को जिनका ब्लाइंड डे नहीं होता उनको ड्यूटी मिलती है कि ब्लाइंड डे वाले बच्चों की हेल्प करें और उनको मदद करें। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। और दोनों ही तरह के बच्चे ऐसे दिन में ऐसी एक्टिविटी से बहुत कुछ सीखते हैं। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट। इसमें कोई अनहैप्पीनेस और सफरिंग की बात नहीं है। Miss Beam continued, everyone is very kind and it really something of a game. इसमें आप ये मत सोचिए कि कोई बहुत हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, ये एक kind of game है और हर किसी को इसमें बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत kind way में behave करते हैं। Before the day is over, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is. मैंने इन्होंने अक्सर एक्सपेरिमेंट तो काफी टाइम किया है, तो इससे वो ये जानती हैं कि जब तक ये दिन खत्म होता है तब तक ऐसे बच्चे जो कि बहुत थॉटलेस थे, मतलब दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, ऐसी चीजों को जो कंसिडर नहीं करते थे, इसके बारे में जो सोचते नहीं थे, वो भी इसके बारे में सोच के इसको फील करते हैं कि हाँ इसमें कितनी मजबूरी होती है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। ब्लाइंड डे तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा वर्स्ट यानी मोस्ट बैड होता ही है। But some children tell me that the dumb day is most difficult. Dumb day, उनको कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि dumb day सबसे ज्यादा difficult होता है। ऐसा क्यों? We cannot bandage the child mouth, हम मुंह तो बंद नहीं कर सकते। So they really have to exercise their willpower. उस दिन उनको willpower यानी determination to do something, अपने अंदर की इच्छा शक्ति से ही उसको dumb day को पूरा cross करना पड़ता है। तो वो बोल तो सकते हैं लेकिन उनको बोलना नहीं है, तो इसमें एक उनको ज्यादा डिफिकल्टी होती है। कम इन टू द गार्डन एंड सी योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। वो राइटर को ऑफर करती है कि चलिए आइए गार्डन में और खुद ही देखिए कि चिल्ड्रन क्या क्या फील करते हैं ऐसे ऐसी एक्टिविटीज करके। मिस बीम लेड मी टू द वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। मिस बीम मुझे एक जिसपे आंख पे पट्टी लगी थी उस लड़की के पास ले गई। Here is a gentleman come to talk to you. उन्होंने उससे क्या कहा कि यहाँ पे एक जेंटलमैन आए हैं तुमसे बात करने के लिए, और हम दोनों को साथ छोड़ कर चली गई एंड लेफ्ट अस। डोंट यू एवर पीप आई आस्क्ड। इन्होंने सबसे पहले उस लड़की से क्या पूछा कि क्या तुम उसमें से जो पट्टी तुमको बंधी है कभी धीरे से झांकते नहीं हो? Oh no, she exclaimed. To say something suddenly out with surprise, तो वो exclaim करके बोली, अरे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करती। That would be cheating. वो तो cheating होगी। But I had no idea it was so awful to be blind. लेकिन वो क्या बताती है कि उसको कोई ऐसा idea नहीं था। Awful मतलब very bad और unpleasant, कि blind होना इतना बेकार लगता है। You can't see anything. आपको कुछ नहीं दिखता। You feel you are going to be hit by something every moment.
हर समय क्या लगता है कि आप अब किसी चीज से टकराए तो आप किसी चीज से हिट हुए। इट्स जस्ट अ रिलीफ टू सिट डाउन। रिलीफ यानी रिमूवल और रिडक्शन ऑफ पेन और वरी, मतलब इस मोमेंट जब हमको ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम अभी भिड़ जाएंगे, अभी गिर जाएंगे, तो उस समय सिर्फ बैठ जाना, सिट डाउन होना मेरे लिए कितना बड़ा रिलीफ है, कितना बड़ा मुझे इस वरी से छुट्टी मिली। कितने अच्छे तरीके से अपना बता रही ना फीलिंग। आर यू हेल्पर्स काइंड, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू। इन्होंने अगला सवाल क्या किया कि तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं आज मिले हैं वो तुमसे तुम्हारे लिए काइंड हैं। फेयरली मतलब थोड़े तो हैं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। लेकिन वो उतने केयरफुल नहीं है जितनी मैं हो जाऊंगी जब अगली बार मेरी हेल्पर बनने की टर्न आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड, जो कि पहले ब्लाइंड रह चुके हैं, आर द बेस्ट हेल्पर्स। वही सबसे बेस्ट हेल्पर्स हैं। इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी। घासली एक्सट्रीमली अनप्रेजेंट एंड बैड। ये परफेक्टली बैड है, मतलब इट इज सो बैड कि कोई कुछ नहीं देख सकता। आई विश यू ट्राई। मेरी विश है कि आप भी ये कभी ट्राई कीजिएगा। और फिर ऑथर उनको क्या पूछते हैं, शैल आई लीड यू एनीवेयर, मैं तुमको कहीं लेके चलूं? ओ यस शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। ठीक है, मुझे लेके चलो एक छोटे से वॉक पे, सिर्फ तभी जब आप मुझे चीजों के बारे में बताते चलोगे। और मैं आज कितनी खुश होंगी, ग्लैड मीन्स हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी टुडे जब आज का ये दिन खत्म होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ बैड एज बैड दिस। वो कहती है कि दूसरे दिन और जो कैसे दिन थे, मतलब लेम डे, डेफ डे, डम्ब डे, ये सारे डेज जो हैं ये इसके जैसे इतने बुरे तो नहीं हो सकते। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट अ फन। उसके हिसाब से क्रच पे मुझे लकड़ी लेकर के उस पर अपने पैर को फंसा के एंड कूदते हुए दिन भर अपना बिताना वॉज लाइक अ फन। हैविंग एन आर्म टाइंड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम। हाँ, एक हाथ ऐसे बन जा फिर हमें एक ही हाथ से खाना पड़े, इसमें थोड़ी ट्रबल हो सकती है, ट्रबलसम परेशानी एंड थिंग्स लाइक दैट। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डेफ फॉर अ डे। वो कहती है उसके हिसाब से कि बींग डेफ में जिसको सुनाई न दे ऐसा दिन बिताना एटलीस्ट नॉट मच, आज के दिन जितना तो बुरा नहीं हो सकता। बट बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग मीन्स फीलिंग ऑफ एफ्रेड, डरना। तो आज का दिन तो इतना मतलब डरावना है कि मतलब कब मैं भिड़ जाऊं। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, एक्स पेन, मैं उसका सर दर्द हो रहा है ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग। किस वजह से उसका सर दर्द? इस वरी से कि वो उसको चोट लग जाएगी। अब वो पूछती है कि वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पहुंचे हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। वो ये भी बताते हैं कि मिस बीम यहाँ पे टॉल गर्ल के साथ चल रही है। वॉट इज द गर्ल वियरिंग, शी इज आस्किंग कि उस गर्ल ने क्या पहना है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, तो ऑथर यहाँ पे उस लड़की के अब फ्रेंड हो गए, तो ही इज रेफरिंग टू हर एज माई लिटिल फ्रेंड। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, उसका ड्रेस बताए तो इसने क्या बताया, आई थिंक इट्स मिली शी सेड। वॉट द कलर ऑफ हेयर, वॉट इज द कलर ऑफ हेयर, वेरी लाइट आई सेड, यस दैट्स मिली। अब सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी सुन के कि उसने ब्लू कॉटन स्कर्ट, पिंक ब्लाउज और वेरी लाइट कलर हेयर है उसके, देन वो कैसे बता दिए कि वो बता दी कि शी इज मिली, शी इज द हेड गर्ल। देर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेड, वहां पे उन्होंने एक और चीज बताया कि एक ओल्ड मैन है जो कि रोजेस टाई कर रहा है। यस दैट्स पीटर, ही इज द गार्डनर, उसने तुरंत बता दिया कि वो पीटर है, गार्डनर है एंड ही इज 100 ऑफ इयर्स ओल्ड, और वो बहुत बूढ़ा है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेस,
और बताते हैं एक तीसरा पर्सनैलिटी की एक लड़की है जो कि रेड कर्ली हेयर है जिसके और वो क्रचेस पे है, दैट्स अनीता शी सेड। तो उसके भी इसने तुरंत नाम बता दिया। ये सब देख करके राइटर वॉज सो मच हैप्पी एंड सो मच अमेज्ड एंड सो वी वॉक्ड ऑन। और धीरे धीरे ऐसे ये लोग चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे ऐसा जैसे जैसे वो चलते गए आगे बढ़ते गए तो धीरे धीरे राइटर को क्या लगा कि राइटर ने डिस्कवर किया कि वो अब जैसा जितना थॉटफुल पहले था, जितना वो ज्यादा सोचता केयरिंग था पहले, अब उससे ज्यादा उससे 10 times हो चुका है वो। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, उन्होंने ये भी realize किया कि अब अगर मुझे कुछ चीजों को लोगों को समझाना होगा, describe करना होगा, I made them more interesting to me, तो मैं उसको और interesting तरीके से बताऊंगा। When I finally had to leave, और जब ये सब हो गया, interaction भी कर लिया writer ने, अब उसको वहां से जाना था उस school से, I told Miss Beam That I was very sorry to go. और उन्होंने मिस बीम से क्या कहा, उसको बहुत दुख हो रहा है वहां से जाते हुए। आह, she replied, अरे then there is something in my system after all. आपकी ऐसी फीलिंग जो जनरेट हुई, आपने आपको यहाँ से जाते हुए एक लग रहा है कि आप एक फैमिली से अलग हो रहे हो, एक इतना फीलिंग ऑफ सॉरी अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे सिस्टम मेरे इस तरीके में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो कि लोगों को पसंद आता है। एट दिस नोट हम इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। और हमने आज यहाँ पे बहुत एक अच्छा चीज सीखा, आपने भी सीखा फ्रेंड्स? आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल? द राइटर हैड हर्ड अ लॉट ऑफ प्रेज अबाउट द यूनिक टीचिंग मेथड ऑफ मिस बीम स्कूल, so he visited her school to have a personal experience with the new method of teaching. What was the game that every children in the school had to play? Miss Beam's school, every children had to play the role of being blind, deaf, mute, injured or lame for a particular day. This was like a game that they had to play and this formed a key part of their training. Each term every child has to be one blind day, one lame day. Complete the line, which day are the hardest? Why was the hardest? Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. Among all the days, the blind day was the hardest day because that day student had to act blind without peeping from their blindfolds. They felt as though they were going to be hit or would bump into things every moment. What was the purpose of these special days? The main purpose of these special days was to give the student a personal taste of misfortune. Enacting a disability for a day would help them understand the feeling of people born with such disabilities and have respect for the needy people in society. This training prepared the students to become good and responsible human beings. तो चलिए इसी के साथ ही हम आज की ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।